गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू मेक माई थर्ड वीडियो दैट विल टेक यू टू द फॉर द स्टडीज ऑफ सेंटेंस आज मैं आपको कराऊंगा कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है और सेंटेंस की टाइप स्टूडेंट्स तीन तरह से होती है एक जब आप क्लोज का चैप्टर स्टडी करते हैं वहाँ तीन तरह का होता है सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड द कंप्लेक्स सेंटेंस अगर हम बात करते हैं मीनिंग वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो पांच प्रकार का होता है लाइक like, आप कहते हैं कि एफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव इंपेरेटिव एंड एक्सक्लिमेटिव सेंटेंसेस ऑपरेटिव सेंटेंसेस तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस और मीनिंग लेवल बट इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि एक सेंटेंस जो है एफर्मेटिव में आपको पहले क्या लगाना है दूसरे नंबर पर क्या लगाना है तीसरे नंबर पर क्या लगाना तो है तो ये चीजें होती हैं तो ये था स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो टूडे तो विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस

इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन ये पूरी दुनिया की इंग्लिश के नंबर पर नजर बना के रखती है और ये इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन कहती है कि हर भाषा का एक रूट सेंटेंस होता है हर भाषा का एक रूट सेंटेंस होता है उसके अलावा फिर वो अपने रूप बदलता है वो चेहरे बदलता है तो हर भाषा में एक रूट सेंटेंस होता है जैसे कि इंग्लिश में आप सिंपल कह सकते हैं उसको एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं वो वो हो सकता है फिर वो अपने रूप बदलता है तो आई कहती है कि रूट सेंटेंस रूट होती है दोस्तों जड़ डियर फ्रेंड्स रूट क्या होती है जड़ होती है और जड़ क्या होती है जहां से कोई चीज चलती है इफ़ यू टॉक अबाउट अ प्री आप एक पेड़ के बारे में बात करते हैं तो पेड़ की जड़ जड़का होती है वो जमीन के अंदर होती है आप घर बनाते हैं तो उसकी जड़ जड़का होती है वो भी जमीन के अंदर होती है जिसको आप फाउंडेशन बोलते हैं न्यू बोलते हैं वहां से वो चीज़ शुरू होती है तो जहां से कोई चीज़ स्टार्ट होती है उसको हम उसकी जड़ बोलते हैं तो इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है जिसको आप रूट सेंटेंस बोल सकते हैं या फिर सिंपल के नाम से जान सकते हैं बिल्कुल लोकल उसमें तो उसमें आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है लाइक like, सबसे पहले सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या लगाते हैं सब्जेक्ट लगाते हैं दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तीसरे नंबर पे मेन वर्ब लगाते हैं फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं बहुत सारी चीजें और भी आ सकती हैं तो बेसिकली चार चीजें मिलकर के किसी एफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण करती हैं हालांकि आई कहती है कि एस प्लस वी प्लस ओ लेकिन वो आपको थोड़ा सा समझने में फिर दिक्कत रहेगी तो दैट्स वे एम जस्ट टेलिंग यू लाइक दिस के सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर प्लस मेन वर्ग प्लस ऑब्जेक्ट लगभग ये बेसिक सी चार चीजें मिलकर के किसी सेंटेंस का निर्माण करती हैं ये आपका रूट सेंटेंस है अब उसके अलावा लाइक एग्जांपल शी कैन सिंग अ सॉन्ग ये आपका रूट सेंटेंस है ठीक है जैसे कि आप दूध पीते हैं आप बर्फ़ी खाते हैं आप दही खाते हैं अपने दही हर रोज़ आप दही खाते हैं तो दही की जड़ कहाँ होती है दही की रूट कहाँ होती है जो कर्ड आप खाते हैं उसकी जड़ होती है दूध में क्योंकि वो दूध से बनती है वो दूध से चली है उसी प्रकार से आप होटल में जाते हैं माओ की बर्फी लेकर आते हैं माओ की बर्फी खाते हैं तो मावा किस चीज़ से बनता है मावा की जड़ कहाँ होती है दूध में होती है तो दूध का बदला हुआ रूप है आप आइसक्रीम खाते हैं आप जाकर के कहते हैं भाई दूध वाली आइसक्रीम लेकर के आओ अच्छे वाली लेकर के आओ किसी होटल में जाकर के ऐसा बोलते हैं तो वो वो उसका किसका बदला हुआ रूप है वो दूध का ही बदला हुआ रूप है तो ये दूध के अलग अलग रूप हैं और तीनों चीज़ों की जड़ कहाँ पर दूध में तो समझ लो ये दूध है आपका के जो सिंपल सेंटेंस हो तो दैट इज लाइक अ मिल्क के वो चीज़ है अब दूध से और चीजें क्या बनाई जा सकती हैं कि भाई आप लस्सी बना सकते हैं दही बना सकते हैं कुछ बना सकते हैं तो आप जब दही बनाते हैं तो उसको गर्म करके थोड़ा सा ठंडा होने पे उसमें क्या डाल देते हैं लस्सी उसी प्रकार से इसमें नॉट डाला जाता है उसी प्रकार से आपका सिंपल सेंटेंस उसमें आप नॉट डाल देते हो नेगेटिव बनता है तो दूसरा रूप जो सिंपल सेंटेंस हो अपना किस चीज़ का बना सकता है नेगेटिव सेंटेंस का बना सकता है नेगेटिव तो नेगेटिव बेसिकली क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है भाई जब भी हम किसी सेंटेंस में नॉट डाल देते हो दिकम्स ए नेगेटिव सेंटेंस वैसे तो नेवर भी आ जाता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसमें नॉट आता है लेकिन उसमें वो नॉट लगाना कहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन नॉट देन मेन वर्ब एंड देन एट लास्ट ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी रह जाता है तो वो फिर नॉट हमने लगाना वो लगाना कहां पे हेल्पिंग वर्ब के ठीक पीछे तो इस सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव बनाए तो हेल्पिंग वर्ब कहां है कैन तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा शी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग ये आपका नेगेटिव हो गया तीसरे नंबर पे तीसरा जो फॉर्म है उसकी क्या हो सकती है इंटरेगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है अभी इंटेरेटिव सेंटेंस इंटरेगेटिव क्या होता है प्रश्नवाचक ट इज यूज टू आस ए क्वेश्चन और जो इंटेरेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो आपकी हेल्पिंग वरब होती है वो कहां होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से आगे की तरफ आ जाती है हालांकि इंटेरेगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू हो सकता है स्टार्ट हो, हो सकता है तो इंटेरेगेटिव सेंटेंस दोनों ही अवस्थाओं में दोनों ही कंडीशन में जो हेल्पिंग वर होती है दैट इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लाइक एग्जाम्पल कैन इसमें जो कैन था वो हेल्पिंग उसको आगे लेके आओ कैन शी सिंग दिस वन इज द इंटरेगेटिव एंड लास्ट वन इज कंबाइन इंटरेगेटिव प्लस नेगेटिव इंटरेगेटिव प्लस नेगेटिव इंटरेगेटिव तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वो कहां रहेगी सब्जेक्ट से पहले then subject then plus just but not then main verb then object example can she not sing a song so this is the example of combined sentence सो so, ये जो चार स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं कि रूट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस मेन प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव में क्या रहेगा इंटेरेगेटिव में क्या रहेगा कंबाइन में क्या रहेगा तो आई जस्ट गारंटी यू कि आप 95 फाइव परसेंट सेंटेंस को आप किस में बदल पाएंगे नेगेटिव इंटरेगेटिव और कंबाइन में बदल पाएंगे सर पाँच परसेंट ऐसे होते हैं जहां पे कंपाउंड हेल्पिंग होती है जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है लेकिन पाँच एक तरफ और नाइन्टी एक तरफ यही हेल्पिंग वो कहीं ना कहीं घूम के आती रहती हैं जो आपकी सिंगल होती हैं और इन मे जो चार स्ट्रक्चर्स इफ यू लर्न दिस फोर स्ट्रक्चर सो आई आई मस्ट से देन इट विल बिकम वेरी इजी फोरी जस्ट टू कन्वर्ट दट पर्टिकुलर सेंटेंस इंटू द नेगेटिव इंटेगेटिव द कंबाइंड वन सो बहुत ईजी हो जाएगा स्टूडेंट्स सो so, मैं कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको करना है इससे फिर आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि सेंटेंस को तोड़ना कैसे है उसमें सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या चीजें लग सकती हैं आगे की स्टडी एन द नेक्स्ट वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो इफ यू लाइक इट थैंक यू हैव हैवेस्ट डे